अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गैलेक्सी S7 में किस तरह थीम्स और विजेट रख सकते हैं। तो पहले तो विजेट रखने के लिए हम होम स्क्रीन पे होल्ड करेंगे और यहाँ पे आप लोगों को विजेट के ऑप्शन दिखेगी, विजेट्स की। तो ये आप लोग विजेट्स कोई से भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिस टाइप का भी आपको चाहिए। तो जिस तरह कि हम यहाँ पे कैलेंडर अगर सेलेक्ट करते हैं, इसको हम होल्ड करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो सा भी कैलेंडर आपने रखना है, होल्ड करके इसको होम स्क्रीन पे आप ड्रैग करेंगे जहाँ पे भी, जौन सी भी जगह पे आपने रखना है। इसको आप रीसाइज़ भी कर सकते हैं और या कोई सा भी साइज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपने होम स्क्रीन पे रखना है। उसके बाद अगर आप लोगों को नया पेज बनाना है होम स्क्रीन का, आप इस पे क्या नाम है, पिंच टू जूम आउट कर सकते हैं इस तरह करके, और यहाँ पे नई होम स्क्रीन ऐड कर सकते हैं ताकि आप और विजिट ऐड कर सकें। और थीम सेलेक्ट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे होल्ड हम करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिखेगी वॉलपेपर्स एंड थीम्स, उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग कोई सी भी डाउनलोड कर सकते हैं थीम्स जो कि सैमसंग की हैं। थीम्स पे हम टैप करेंगे और माय थीम्स पे ये मैंने डाउनलोड की हुई है पहले से, और नहीं अगर आप लोगों ने डाउनलोड करनी है तो वो यहाँ पे रिकमेंडेड आपको आएगी, या आपको स्टोर से डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। कुछ कुछ फ्री थीम्स हैं, कुछ कुछ पेड थीम्स हैं जो कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलें यहाँ पे जो सी अभी मैंने थीम सेलेक्ट की हुई है, ये जो मेरी करंटली थीम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ये है। स्टॉक थीम भी आप लोग रख सकते हैं और दूसरी भी डाउनलोड कर सकते हैं कोई सी भी है। तो ये थीम सेलेक्ट करने के बाद आप इसको सेट कर सकते हैं, डिलीट भी आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोगों की स्पेस कम है। तो डिफरेंट काफ़ी अच्छी थीम्स हैं, कुछ कुछ काफ़ी अच्छी थीम्स हैं इसमें। तो यही तरीका सैमसंग गैलेक्सी S8 का भी सिमिलर है काफ़ी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अल्लाह हाफिज़।